हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो सुबह के 8:15 बज रहे हैं। मैंने अभी नहा के आई थी, एकदम से सिर गीला है, बाल सुखा रही हूँ पंखे के नीचे रख करके। सब लोग भी जाने की तैयारी में, तो सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो शुरू कर लूँ, फिर बीच में काम शुरू कर दो, उसके बाद फिर बिल्कुल समय नहीं मिलता आएगा वीडियो शुरू करने के लिए। मतलब तो चाय वगैरह तो मेरी हमारी बन चुकी है, पी चुके हैं हम। चलो अब मैंने नहीं पिएगी, अब पीऊँगी जाकर के। देखो रबड़ लगाऊंगी बालों में, बाल गीले हैं तो थोड़ा सा सुखा रही थी पंखे के नीचे। तो बस जा रही हूँ, और आज बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी और थोड़ी सी पूड़ी। छोटा वाला बेटा कह रहा था कि पूड़ी बना लो मम्मी, तो उसे अच्छी लगती है पूड़ी उसे, तो बस वही बनाऊंगी और सूखी अरबी बनाऊंगी। वैसे तो हमारे यहाँ रसीली सब्ज़ी खाई जाती है, लेकिन शाम को सबको रसीली चाहिए। सुबह तो चल जाती है सूखी, लेकिन शाम को सबको रसीली सब्ज़ी चाहिए होती है, तो बस वही बनाऊंगी। तो बस जा रही हूँ अपने काम में, मिलती रहूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो चक्की बार स्टूडेंट, ये पेस्ट्री मंगाई थी छोटे वाले बेटे के लिए, वो मांग रहा था काफ़ी दिन से, तो चाय के साथ वो खाएगा, उसे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। तो फ्रेंड आ गई मैं अपनी यहाँ चाय लेकर के, अपनी थोड़ी सी चाय पी लूँ सुकून से बैठ कर। सब लोग चले गए अपने काम पर, तो उसके बाद मैं फिर चाय लेकर बैठी हूँ। चाय पीने के बाद आ गई अपने किचन में, आकर के यहाँ अरबी छौकी है। जब चाय पी थी तभी वो बोलने रख गई थी अरबी को, तो इतनी देर में उसमें सीटी आ गई, अरबी उबल गई थी। और दूध वाले भैया आ गए थे, तो वो दूध भी दे गए थे, करीब 9 बज रहे हैं अब। तो फिर मैंने ये अरबी वगैरह छौंक दिएगी, सादा सिंपल मसाले में फ्राई करी है, सूखी सब्जी हैगी, शाम को रसीली ही खाते हैं हम लोग। तो बस ये अरबी छौंक दी मैंने, उसे फ्राई कर ली हैगी। उसके बाद थोड़ी सी उसमें नींबू वगैरह भी ऐड करूँगी, और ये बिस्कुट रख गया था, बोला मम्मी दोपहर में खाऊँगा, भी रख देना। तो इसमें मैंने एक नींबू भी ऐड करा है, एक नहीं आधा ही डाला है, इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है नींबू डालने से। तो बस वही मेथी वगैरह डाल के मैंने इसे सही अजवाइन डाल के छौंकी थी अरबी को मैंने, और इसमें हरा धनिया ऐड कर दी। 2 मिनट में बन गई थी सब्ज़ी, क्योंकि अरबी उली हुई थी, खाली फ्राई करनी थी, तो बस फ्राई कर ली हैगी। उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि छोटा वाला बेटा कह रहा था पूड़ी के लिए, उसे बहुत पसंद है पूड़ी, किसी भी सब्जी के साथ पूड़ी दे दो तो वो अच्छे से खा लेता आएगा। तो जो बच्चे मन का खाने तो उनके लिए कर दो तो सही रहता आएगा, वैसे नहीं चाहे दिन छोटी मोटी चीज़ों में ज़्यादा वो रहता आएगा उसे। तो बस ये फिर पूड़ी बना ली उसके लिए, क्या फिर सभी के लिए बना ली मैं खाना, फिर थोड़ी देर सभी लोग खा लेंगे। और इतनी गर्मी हो रही है कि मन कर रहा है खाना ना कुछ मत बनाओ, जाके बस पंखे में बैठ जाओ, बहुत गर्मी लग रही, मन नहीं है, लेकिन भूख तो लगती है ही, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो बस यही सब जल्दी जल्दी बना रही हूँ, और बीच बीच में थोड़ी सी हवा भी ले आती हूँ पंखे की, कि बहुत गर्मी लग रही है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सुबह के समय शाम के समय बहुत ज़्यादा ही गर्मी सी हो जाती है। सुप्रेंड काम सारा हमारा हो चुका है, नीट एंड क्लीन पड़ा है घर, साफ़ सुथरा करके डाल दिया है घर, साफ़ सुथरा पड़ा हो घर तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हम लोग अपने खाने पीने में लग जाएंगे, क्योंकि दोपहर होती है 12:30 का टाइम। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड मेरा काम सुबह का सारा हो चुका है, करीब 4:45 का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहेंगे। तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो एंड कर लूँ, और बाहर अभी काफ़ी तेज़ धूप हैगी, तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, काफ़ी गर्मी हो रही, बाहर बहुत तेज़ धूप हैगी। तो बस सोचा खाना पीना सब हो चुका है हम लोगों का दोपहर का, तो बस यही सब चल जाएगा। सोचा आप लोगों से बात करके वीडियो एंड कर लूँ, और आज तो बहुत दिमाग से बिल्कुल निकल गया, गैस खुली छोड़ दी मैंने, मतलब काम करते करते कैसे पता नहीं ऑन रह गई गैस, और एकदम से दूसरी गैस में अपने आप से जल गई, बहुत अच्छी रहा था। उस पर गैस पर साइफन वगैरह रखा था, तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया, और हादसा होते थे बच गया, बहुत भारी चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, काम करते करते बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो कहते कैसे आज गलती हो गई मुझसे, इतने साले हो गए मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसी गलती हो गई भारी, तो बहुत ही था, काफ़ी डर सी गई मैं, मुझे पता नहीं ये क्या हो गया एकदम से, अब कुछ और नेक बात हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो बस यही सब चल रहा है, खाना पीना हम लोग खा लिया है, दोपहर का थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद फिर अपनी शाम के दोपहर के काम में लगूँगी, सब लोगों से बात कर लूँ, वीडियो कर लूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, कोई देखता है नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट भी शायद ही कोई देखता हो, बस टाइम के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन कितनी वीडियो देख रहा है। तो बस यही सब चल रहा, छोटी सी वीडियो प्लीज़ देख लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।